जयनगर सिटी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अली। शुरू करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों से। भाकपा माले के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर खजौली रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का जाम किया। जयनगर दरभंगा रेल खंड के खजौली रेलवे स्टेशन पर विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव व आरक्षण टिकट काउंटर खोलने की मांगों को लेकर आज भाकपा माले के द्वारा अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खजौली प्रखंड सचिव अमोद कर्ण व जयनगर प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में रांची से जयनगर को जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को रोक कर प्रदर्शन किया। जयनगर अनुमंडल के निवर्तमान SDO राघवेंद्र सिंह के तबादले पर अनुमंडल प्रशासन की ओर से किया गया विदाई समारोह कार्यक्रम। जयनगर अनुमंडल के निवर्तमान SDO राघवेंद्र सिंह के तबादले पर अनुमंडल प्रशासन की ओर से सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जयनगर लदनिया देवधा व बासोपट्टी के पदाधिकारियों व कर्मियों ने उन्हें पाग दुपट्टा माला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर DSP सुमित कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद रंजन, निबंधन पदाधिकारी, दंडाधिकारी जानकी कुमारी, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जनक कुमार, जयनगर SHO उमा शंकर राय, देवधा थाना अध्यक्ष उमेश पासवान, बासोपट्टी थाना अध्यक्ष संजय कुमार के अलावा जयनगर बासोपट्टी एवं लदनिया के BDO CO समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। Back.
सर सर इधर देखिएगा सर जयनगर अनुमंडल के नए एसडीओ शंकर शरण ओली ने पदभार ग्रहण किया। जयनगर अनुमंडल के नए एसडीओ शंकर शरण ओली ने आज पदभार ग्रहण कर कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता विधि व्यवस्था बनाए रखना है। इस मौके पर निवर्तमान एसडीओ राघवेंद्र सिंह, डीएसपी सुमित कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सिख समुदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के जन्म दिवस के अवसर पर जयनगर में प्रभात फेरी निकाली गई। सिख समुदाय के प्रथम गुरु नानक देव जी के 548वां जन्म दिवस के अवसर पर आज जयनगर में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के द्वारा प्रभात फेरी व नगर कीर्तन निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग हुए शामिल। Thank you.